उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिवस के अवसर पर आदर्श भगवती शिक्षा सेवा संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमित मिश्रा सिविल जज मौजूद रहे। इस अवसर पर सैकड़ों वरिष्ठ महिला व पुरुषों को माल्यार्पण व वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। साथ ही सुदामा चरित्र नाटक का मंचन भी किया गया, जिसे भी सभी ने बहुत सराहा। समाज कल्याण अधिकारी इंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का आदर मान सम्मान करना हम सब का नैतिक कर्तव्य है। माता पिता का मान सम्मान और उनकी सेवा करने पर पुण्य की प्राप्ति अवश्य तौर पर होती है। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी आराधना गुप्ता, वृद्ध आश्रम संचालिका कमलेश कुमारी ने भी उपस्थिति को संबोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का महत्व बताया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आज हमारे मैनपुरी में जो वृद्ध लोग हैं उनको आज सम्मानित किया गया है, एक के जो ना आश्रम के माध्यम से। क्या कहेंगे आप? आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन सम्मान समारोह है, ये हर एक अक्टूबर को मनाया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। और जैसा आज भगवती जन सेवा संस्थान ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, आज हर्ष का विषय भी है और दुख का विषय भी है। हर्ष का विषय इसलिए है कि चलो, हमारे पास एक सरकार ने व्यवस्था की है कि जहाँ हमारे बुजुर्ग जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास एक वृद्ध आश्रम है। और दुख इसलिए कि जिन संतानों के लिए माँ बाप मंदिर पूजा मन्नतें मांगते हैं, आज वही औलाद उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ कर चली जाती है। तो ये हमारे लिए समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को देख देख कर जीते हैं, वो माँ जो भीगे में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, और आज वही माँ एक वृद्ध आश्रम में है, तो इससे ज़्यादा दुखद हम लोगों के लिए कुछ और हो नहीं सकता। तो आज जो कार्यक्रम किया है, ये क्या प्रेरणा देता है युवाओं को? युवाओं को यही प्रेरणा देता है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम अपने माता पिता को, ये जो आजकल की प्रणाली है पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारे युवा जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, तो सिर्फ एक 18 साल के बाद उन्हें ये लगता है कि दुनिया कुछ और है, चमक दमक ही दुनिया है। लेकिन जिसके सर पे माता पिता का साया ना हो, उससे ये बात पूछो, क्योंकि जब माता पिता होता है तो इंसान पूरा होता है, चाहे उसके पास जितनी धन दौलत हो, अगर माता पिता का साया नहीं है तो वो अनाथ है। यही हमारा समाज है। और यहाँ पर जो है वृद्ध लोगों को सम्मानित किया गया, आज क्या है और क्यों सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये संस्था जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित है, और ये आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता वाला विषय है। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय माता पिता वृद्धजन सम्मान दिवस है ये, इसी को मनाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारी प्रयास ये रहता है कि मैनपुरी में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, निराश्रित है, जिनको की आवश्यकता है यहाँ पर रहने की, तो आप लोग उनको बताएं, हम लोगों को उनको लेके आया जाएगा और यहाँ पर सम्मान के साथ उनको रखा जाएगा। और जितनी भी सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित है, मेरा प्रयास रहेगा कि ये NGO के माध्यम से उनको सुविधाएं मिले। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी नौबत ना आए किसी परिवार में, ऐसे कोई भी बच्चे ना हो जो अपने माता पिता की सेवा ना करें, फिर भी सरकार ने ये संस्था क्या कहना चाहेंगी जो है ना उन संतानों को कि अपने माता पिता के प्रति क्या आस्था रखनी चाहिए? वो भी एक दिन वृद्ध होंगे, अगर वो अपने माता पिता के साथ अगर ये दुर्व्यवहार करते हैं कि नौबत आती है वृद्धाश्रम में भेजने की या लाने की, तो एक दिन ध्यान रखें कि उनके साथ भी ऐसा ही उनकी संतान करेगी जो जैसा नहीं। मैडम, आपने जो है ना यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, आज जो है ना वृद्धों को सम्मान दिया है, कितने लोगों को आपने यहाँ सम्मानित किया है मंच के माध्यम से? यहाँ पर हमारे यहाँ आज 58 वृद्ध हैं, 40 वृद्ध अम्मा हैं जिनको मैंने सम्मानित किया है, और हमारे सभी वृद्धाश्रम की जो कमेटी बनी है माननीय DM साहब के द्वारा, सभी हमारे सदस्यगण आए हुए हैं, और श्रीमती इंद्र सिंह आई हुई, हमारे शोधा अधिकारी जी आए हैं, रेणु कठारिया जी आए हुए हैं, RC पांडे जी, सभी बहुत ही होश उल्लास से हमारे वृद्धाश्रम का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया है। और बहुत ही हमने कलाकार जो मथुरा से बुलाए, ये वृद्ध हमारे हमेशा
इस पंडाल में ही रहते हैं। ये अस्पताल आज उन्हें सम्मान देने का काम किया है, लोगों को क्या प्रेरणा दे रही है इस सम्मान जो समारोह किया है इसके अंतर्गत? मैं तो लोगों को यही प्रेरणा दे रही हूँ, जो भी हमारे जिनके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, माँ बाप ने पैदा किए हैं, तो अपने माँ बाप को जरूर अवश्य उनकी सेवा करें, और जिनके हैं ही नहीं तो उनकी तो सेवा वृद्धाश्रम पूरे प्रदेश में ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।